बेलकम दोस्तों, यदि आपकी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो गई हैं, उनमें से कट कट की आवाज़ आती है, तो वहाँ पर डॉक्टर के द्वारा कौन कौन सी दवाएँ उपयोग की जाती हैं, उनकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करेंगे तो कैल्शियम, कैल्शियम जो कि इम्पॉर्टेंट होता है हड्डियों के ग्रोथ के लिए, वहीं जब हमारे बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो ये कमी कहाँ कहाँ पे हो सकती है, उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें डिप्रेशन या एनेक्जिटी, यानी हमारे माइंड पे सबसे पहले प्रेशर पड़ेगा, जिससे हमें एनेक्जिटी हो गए और हम डिप्रेस रहेंगे। वहीं जब हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो हमारे जो थिंगलिंग सेंसेशन अराउंड द माउथ एंड कैटेटर रीजन में जो है, वो थिंगलिंग सेंसेशन होने लगती है। वहीं हमारे जो स्टमक होते हैं, स्टमक में पेन होने लगेगा, डायरिया होने लगेगी, हमारे स्किन जो है वो ड्राई हो जाएंगे, हमारे मसल जो है वो क्रैम्प्स होने लगेंगे, और जो उनका ये रिफ्लेक्स एक्शन होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। हाइपोकैलेमिक जो कि ये कैल्शियम लेवल लो हो जाने पर दिखाई देता है। वहीं कुछ अदर की बात करें, हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है, आपका हार्ट रेट भी स्लो हो सकता है, आपका यूरिनेशन जो है वो बढ़ सकता है, आपके पैरों में टिंगलिंग या क्रैम्पिंग जो है वो चालू हो सकती है। तो ये कैल्शियम डिफिशेंसी के जो है वो लक्षण दिखाई देते हैं, क्योंकि मेन जो होता है हड्डियों में कैल्शियम युक्त हड्डियाँ होती हैं, क्योंकि आपको पता है जो बोन होता है उसमें कैल्शियम जो होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की डिफिशेंसी होगी तो कुछ ऐसी कंडीशन रहेगी। वहीं अगर बात करें कैल्शियम डिफिशियंसी के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले हमारे जो माउथ होंगे उनके चारों तरफ नमनेस जैसी महसूस होगी, हमारे जो हैंड और फीट होंगे उसमें टेंगलिंग सेंसेशन रहेगा, हमारे जो मसल हैं उसमें स्पास्म आ जाएगा, यानी जकड़न आ जाएगी, ऐठन आ जाएगा, हमें कुछ रीनल इंजरी हो सकती है, यानी किडनी से संबंधित बीमारी हो सकती है, हमारे ब्रेन में कैल्सिफिकेशन हो सकती है, कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, कैथेटर की प्रॉब्लम भी होती है, हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम भी हो सकती है, सीजर्स हो सकते हैं, कई प्रकार की बोन डिजीज हो सकती है, जो प्रेगनेंसी यानी प्रेग्नेंट लेडी रहती है उनमें कई सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, यानी बच्चों का डेवलपमेंट बराबर नहीं हो सकता। टीथ जो है वो डीके, यानी हमारे जो टीथ होते हैं वो भी कैल्शियम से बने होते हैं, अगर उनमें कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाती है तो जो दांत होते हैं वो धीरे धीरे टूटने लगते हैं, डर्मेटाइटिस हो सकती है, ब्रिटल नेल्स हो सकते हैं, कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है, और सीवियर प्रीमेंसुरेशन जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ कैल्शियम डिफिशियंसी के जो है वो लक्षण अपीयर होते हैं। वहीं अगर हम बात करें सोर्सेज, किस किस सोर्स से आप ले सकते हैं कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं, तो इसका जो कई सारे सोर्स हैं, अगर आप मेडिसिनल सप्लीमेंट लेते हैं तो उनमें कई सारे कैल्शियम युक्त मेडिसिन आती है, अगर आप अपने खान पान के द्वारा कैल्शियम की पूर्ति करना चाहते हैं तो उनमें जो सप्लीमेंट है उनमें ग्रीन बीन्स जो आते हैं उनको यूज कर सकते हैं, एग्स ज़्यादा से ज़्यादा एग्स ले सकते हैं, मिल्क को ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कर सकते हैं, और चीज़ को भी ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, तो ये सारे सोर्सेज जो होते हैं इनको लेने के बाद आपकी जो कैल्शियम की कमी है वो पूर्ण हो सकती है। वही अगर हम मेडिसिनल ट्रीटमेंट की बात करें, तो मेडिसिनल ट्रीटमेंट जो ऐसे कई सारी मेडिसिनल ट्रीटमेंट आती हैं, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिनल ट्रीटमेंट जैसे कि कैल्डिकाइंड प्लस जो कि मैनकाइंड के द्वारा मैन्युफैक्चर की जाती है, कैल्डिकाइंड प्लस की बात करें तो इसमें आपको कैल्शियम भी मिल जाएगा, मीकोबलामिन यानी विटामिन B12 मिल जाएगा, ओमेगा 3 फैटी एस्टर के साथ फोलिक भी मिल जाएगी, कैल्शियम भी मिल जाएगा और बोरान कैप्सूल भी मिल जाएगा, यानी ये जो कॉम्बिनेशन होता है कैप्सूल की कॉम्बिनेशन होती है। अगर आपके बॉडी में ज़्यादा कैल्शियम की डिफिशियंसी है तो इस मेडिसिन को आप दिन में एक बार ले सकते हैं, या डॉक्टर्स के परामर्श से भी ये मेडिसिन लिया जा सकता है। वहीं अगर हम दूसरे सप्लीमेंट की बात करें तो वो है कैल्डिकाइन। पहले हमने कैल्डिकाइन प्लस के बारे में बात की, अब यहाँ पे कैल्डिकाइन जिसमें कैल्सिट्रॉल होता है, कैल्शियम होता है और साथ में जिंक की कैप्सूल होती है, कैप्सूल फॉर्म में आती है, कुछ इस तरह से आपको मिलेगा इस टिप में। ये मेडिसिन भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, तो आप उनमें दोनों में से कोई एक मेडिसिन ले सकते हैं दिन में एक बार। वहीं अगर नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें जो कि काफ़ी ज़्यादा उपयोग की जाती है और डॉक्टर के द्वारा सबसे ज़्यादा उपयोग की जाती है, जो कि सेलकाल नाम से आती है, इसमें कैल्शियम और विटामिन D3 की कंपोजिशन होती है,
ये मेडिसिन भी काफ़ी इफेक्टिव होती है। अगर आपके बोन जो है वो रप्चर हो रहे हैं, यानी बोन जो है वो डीके हो रहे हैं, तब ये मेडिसिन जो है वो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। वहीं अगर एक नेक्स्ट कैप्सूल की बात करें, जिसमें कैल्सिट्रॉल, कैल्शियम कार्बोनेट और जिंक पाया जाता है, ये मेडिसिन भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है और कुछ इस तरह से देखने में लगती है। तो ये सारे कैप्सूल और टेबलेट जो है कि अगर किसी में कैल्शियम की कमी है, यानी उसके बाद बोन फ्रैक्चर हो रहे हैं या बोन डीके हो रहे हैं, तो उसको ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के द्वारा इनमें से कोई एक कैप्सूल जो है वो उपयोग करते हैं। आई होप दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो। अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ऐसे वीडियो और चाहिए तो हमें कमेंट जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।